मैं चांदनी परिहार जन समय न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। विकलांग शिविर का आयोजन, निशुल्क दंत रोग चिकित्सा शिविर बना औपचारिकता। ग्रेनाइट मार्बल एसोसिएशन का दिल्ली में धरना प्रदर्शन। आलासन में सीसी रोड व आरओ प्लांट का शुभारंभ। मुंबई में विश्वकर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न। वर्णीय गोगा जी का मेला आयोजित। सायला क्षेत्र के बागोड़ा में आरसीसी की लिफ्ट गिरी। कॉलेज में आवेदन प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 22 जून। प्रतियोगिता में आधार कार्ड की अनिवार्यता। भीषण गर्मी में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अच्छा कदम। अब समाचार विस्तार से। विकलांग शिविर का आयोजन, सामान्य चिकित्सालय जालोर में प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को आयोजित होने वाले शिविर में हमेशा की तरह इस बार भी विकलांगों की काफी उपस्थिति रही। विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में विकलांगों की जांच कर हाथों हाथ 20 विकलांगता प्रमाण पत्र भी दिए गए। शिविर में डॉक्टर योगेश शर्मा, वेद प्रकाश मीणा, धनाराम चौधरी, निशक्त जन के अध्यक्ष कानाराम भारद्वाज के साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। निःशुल्क दंत रोग चिकित्सा शिविर बना औपचारिकता। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आज सवेरे 8 से 12 बजे तक जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल में दंत रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टरों को मरीज का इंतजार करते हुए देखा गया, किंतु 11 बजे तक एक भी मरीज नजर नहीं आया और ऐसा लग रहा था कि शिविर मात्र औपचारिक खानापूर्ति कर रहा है, जबकि शिविर में आंगनबाड़ी केंद्रों एवं मदरसों के चयनित बच्चों के दांतों से संबंधित बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। शिविर में RVSK की टीम की ओर से रेफर किए गए 0 से 18 वर्ष के बच्चों के दांतों का जांच व उपचार करना था। इसी क्रम में विभाग की ओर से सायला, आहोर, भिंगमाल, रानीवाड़ा और सांचौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शिविर का आयोजन होना है। ग्रेनाइट मार्बल एसोसिएशन का दिल्ली में धरना प्रदर्शन। भारत सरकार के द्वारा ग्रेनाइट मार्बल पर GST 28% लगाने के विरोध में समस्त ग्रेनाइट मार्बल एसोसिएशन ने 1 जून से धरना प्रदर्शन किया, जिसके तहत जालोर ग्रेनाइट मार्बल एसोसिएशन के पदाधिकारी 31 मई को शाम दिल्ली के लिए रवाना होकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है, लेकिन भारत सरकार ने इस धरना प्रदर्शन पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है और ना ही इस समस्या का कोई समाधान निकाल रही है। इस धरना प्रदर्शन में जालोर से ग्रेनाइट मार्बल एसोसिएशन के पदाधिकारी नरेंद्र बालू अग्रवाल, नंद किशोर जेथलिया सहित अन्य भी मौजूद थे। आलासन में सीसी रोड व आरओ प्लांट का शुभारंभ। सायला संवाददाता पूरा राम की रिपोर्ट के अनुसार आलासन ग्राम पंचायत में शुक्रवार को विधायक सहायता कोष से स्वीकृत सीसी रोड व आरओ प्लांट का उद्घाटन मुख्य अतिथि निशक्त जन आयुक्त धनाराम पुरोहित तथा जालोर विधायक अमृता मेघवाल की अध्यक्षता में हुआ। विशिष्ट अतिथि के रूप में सायला प्रधान जबर सिंह तूरा, पंचायत समिति सदस्य प्रकाश राज पुरोहित, सरपंच चंपालाल भील सहित ग्रामीण उपस्थित थे। मुंबई में विश्वकर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। मुंबई के भायंदर स्थित सुथार समाज के सृष्टि रचयिता विश्वकर्मा मंदिर का जीर्णोद्धार कर 30 मई से शुरू हुई प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पाठ पूजन एवं विधि विधान से भैरवनाथ अखाड़ा सिरे मंदिर जालोर महंत पीर श्री गंगानाथ जी महाराज व लेटा भैंसवाड़ा महंत रणछोड़ भारती जी महाराज सहित साधु संतों के सानिध्य में संपन्न हुई। 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत पूजा अर्चना, हवन, भजन संध्या के साथ चढ़ावे की बोलियां बोली गईं, जिसमें समाज के बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 5 दिनों के कार्यक्रम में वरघोड़ा, कलश यात्रा, स्नेह मिलन, नृत्य इत्यादि कार्यक्रम संपन्न हुए। महोत्सव के अंतिम दिन महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। वर्णीय गोगा जी का मेला आयोजित। सायला संवाददाता पूरा राम की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती देताकला गांव के वर्णीय गोगाजी मंदिर में नवमी को लेकर आज शनिवार को मेले का आयोजन महेंद्र गिरिजी महाराज के सानिध्य में किया गया। मेले को लेकर क्षेत्र के आसपास के गांव से हजारों की संख्या में भक्तगणों ने मंदिर में दर्शन कर प्रसाद नारियल का भोग लगाया।
गोगा जी के दर्शन के लिए लोगों की सवेरे से लेकर शाम तक भक्तगणों की लंबी कतारें लगी रही। दोपहर में धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महेंद्र गिरी जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति को धर्म व परोपकार के कार्यों में भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गायों की सेवा एवं अच्छे धार्मिक कार्यों व गरीब मात्र के भले के लिए खर्च करना चाहिए। वहीं मंदिर परिसर स्थित गौशाला में लोगों ने गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाकर पुण्य कमाया। वहीं पूर्व संध्या पर स्थानीय कलाकारों की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। सायला क्षेत्र के बागोड़ा में RCC की लिफ्ट गिरी। सायला क्षेत्र के बागोड़ा में एक रहवासी मकान के कार्य के दौरान काम करते समय छत पर लगी लिफ्ट अचानक नीचे गिर गई। वहां किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां काम कर रहे मजदूर सुरक्षित हैं, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टला। कॉलेज में आवेदन प्रक्रिया शुरू, अंतिम तिथि 22 जून। श्री राजेंद्र सूरी कुंदन जैन राजकीय महिला महाविद्यालय जालोर के नोडल प्रभारी डॉक्टर गिरधारी लाल जयपाल ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश आवेदन करने की प्रक्रिया 3 जून से प्रारंभ होकर 17 जून तक जारी रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्राओं को स्वयं की SSO ID बनाकर आयुक्तालय की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि छात्राएं अपने प्रमाण पत्र, फोटो व हस्ताक्षर स्पष्ट स्कैन करवाकर अपलोड करें। कोई भी छात्रा आवेदन के लिए अपना पुराना OBC प्रमाण पत्र शामिल न करें। आवेदन की अंतरिम प्रवेश सूची का प्रकाशन 22 जून 2017 को होगा। प्रतियोगिता में आधार कार्ड की अनिवार्यता। नए सत्र से राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को शामिल होने के लिए उनके आधार कार्ड से ही प्रवेश अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में जन्म तिथि समान होने पर ही उस खिलाड़ी को प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। भीषण गर्मी में सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अच्छा कदम। जून की गर्मी को देखते हुए जालोर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा आमजन के लिए शहर में जगह जगह पर पानी कैन रखवाकर अच्छी व्यवस्था करवाई गई है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में शहर के लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छी पहल है। इस भीषण गर्मी में लोग जगह जगह पानी पीते नजर आए हैं। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक चौराहे पर पानी के कैन रखवाकर अच्छी व्यवस्था की गई है, जहां आने जाने वाले राहगीर पानी पीकर प्यास बुझाते हैं, जो एक पुण्य का काम है। मौसम विज्ञान की खबर में जालोर शहर का आज का तापमान अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जन समय की खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।